हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के प्राइस लेवल्स के बारे में। तो एज पर टेक्निकल, इसमें किस तरह की मूवमेंट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है, विद चार्ट आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। तो ये रहा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट, जहाँ पे एज पर टेक्निकल हम पूरी अपर साइड और डाउन साइड दोनों में आपको विथ लेवल्स, यहाँ पर कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर अपने पोजीशन को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो ज़रूर आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक राइजिंग चैनल में बड़े लंबे समय से ट्रेवल कर रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एक बड़ी गिरावट हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली जो ट्रेंड लाइन है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रैली हुई सपोर्ट लेके, उसके बाद अगेन अभी रिसेंटली में भी जो गिरावट हुई थी मार्केट में बजट से पहले, उसमें भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो चैनल का सपोर्ट लेवल है उसे ही टच करके इसमें एक रैली लगातार अभी हो रही है। तो इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल आपको देने वाले हैं, जिसमें आप नोट करके रखें, क्योंकि सपोर्ट भी दूर के हैं और रेजिस्टेंस भी दूर के हैं। तो आप लेवल को नोट करके रखेंगे तो वो आपको रिमेम्बर रहेगा, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में उस लेवल को, उस प्राइस लेवल को अगर ये टेस्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो तेज़ी हो रही है, तो अभी रिसेंटली में जो तेज़ी हो रही है, इसमें अपर साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल है जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसका मैं आपको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल देता हूँ, 1897। 1897 का रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली में ये आप देख रहे हैं एशर मोटर, इसका भी सेम कुछ इसी तरह के इसमें लेवल बनते हुए लग रहे थे और वहाँ से एक बड़ी गिरावट भी आई थी। तो यहाँ पर वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इसमें 1897 1899 ऐसा कुछ का रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि अगर कल का ट्रेडिंग सेशन में अगर इसमें मूवमेंट अगर अपर साइड की रही तो आप देख सकते हैं ये 1897 1899 ऐसा कुछ में यहाँ पर आके प्राइस लेवल मैच होगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा और अगर ये जो रैली है ये अपर साइड में ही सस्टेन होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये कंटिन्यू अपर साइड की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, तो मान लीजिए अगर नेक्स्ट वीक में अगर वेडनेसडे को अगर ये लेवल, ये इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करता है बालकृष्ण, तो उस दिन 1897 रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वहाँ पर से कुछ ऊपर आ जाएगा, जैसा कि 10 रुपये 12 रुपये जैसा इसमें कुछ रेजिस्टेंस जो है वो अपर साइड की ओर बनता हुआ दिखेगा। जैसा कि अगर नेक्स्ट वीक में अगर मान लीजिए 9 तारीख को अगर ये लेवल टेस्ट हुए तो 1905 के लेवल आपको एज ए रेजिस्टेंस वर्क करते हुए लगेंगे। बट ओवरऑल ये है कि ये जो अपर साइड में रेजिस्टेंस लाइन है ये ब्रेक करना जरूरी है, तभी इसमें एक अनदर रैली होगी, वरना ये लेवल ऐसा है कि यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट भी आपको ये लेवल साबित हो सकता है और यहाँ से रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस लेवल को नोट करके रखें, अराउंड 1897 से 1905 का लेवल आप नोट करके रख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इसमें कुछ गिरावट होती है, प्राइस पैनिक होता है किसी भी तरह से, अगर मार्केट में गिरावट होगी, तो क्योंकि ये जो नीचे में ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे बड़े लंबे समय से, यहाँ से गिरावट आई थी, यहाँ से भी गिरावट आई थी आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी गिरावट आई, तो इसीलिए क्योंकि ये प्राइस लेवल ब्रेक हो चुका है और उसके ऊपर में क्लोज हो चुका है, अब ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि सपोर्ट में 1733.8 1722 का इसमें सपोर्ट है। तो दोनों लेवल्स को नोट करके रखें, प्राइस लेवल दूर के हैं बट जब भी आता है ये एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट दोनों प्राइस आपके लिए काम करेगा, इसीलिए लेवल्स को नोट करके रखें और आने वाला ट्रेडिंग सीजन में इस लेवल का जरूर पूरा पूरा फायदा लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी लेवल्स आपके साथ विद चार्ट डिस्कस कर सकें।